मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का एक वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही पॉपुलर ये टॉपिक है, क्योंकि ऐसे हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ। स्मार्टफोन की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों जूस जैकिंग के बारे में। जी हाँ, ये शब्द सुनने में बड़ा नया लग रहा है, अजीब लग रहा है। जूस जैकिंग ये होता क्या है? जूस जैकिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक इन्वॉल्विंग व चार्जिंग पोर्ट दैट डबल्स एज अ डेटा कनेक्शन टिपिकली ओवर यूएसबी। दोस्तों, यूएसबी चार्जिंग आपने देखी होंगी एयरपोर्ट्स पर, जो कह सकते हैं हम, और भी जो ट्रैफिक वाली जगह होती हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड्स पर, जो भी टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर यूएसबी चार्जिंग होती है। और दोस्तों, ये एक तरह का साइबर अटैक है। जूस जैकिंग किस तरीके से की जाती है ये हम आपको बताएंगे आज। आप देख सकते हैं जो यूएसबी पोर्ट जो होते हैं, जिसमें हम यूएसबी चार्जिंग लगाते हैं, इस तरीके के आप पोर्ट देख सकते हैं दोस्तों। इस यूएसबी कनेक्टर में जो है 5 तरीके की पिन होती हैं, और ये पिन जो है ये आपके डेटा ट्रांसफ़र का काम भी कर सकती हैं, और उसको मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने का काम भी करती हैं। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि जब अकेला एक पिन की ज़रूरत पड़ती है 5 में से आपके डिवाइस को चार्ज करने के लिए, और जो दूसरा और तीसरा पिन होता है दोस्तों, वो काम आता है डेटा ट्रांसफ़र करने के। इस तरीके का चार्ज जब हम लगा देते हैं कहीं पर भी हो, चाहे वो एयरपोर्ट सर्विस हो, बस टर्मिनल्स हो, कहीं भी, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है हमारा डाटा ट्रांसफ़र होने का और डेटा हैक होने का। आपका पूरा डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आपके अकाउंट का पूरा डिटेल निकाला जा सकता है, आपकी गैलरी तक ये लोग जा सकते हैं। ये लोग यूएसबी कनेक्टर्स में इस तरीके का एक मालवेयर फंक्शंस लगा सकते हैं, इस हार्डवेयर को भी ये जो है सपोर्ट करके, और ऐसे जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इससे बचना होगा। बचने के लिए आपको करना क्या है, आप 2 फ़ोन कैरी कर सकते हैं। आजकल सभी लोगों के पास 2 फ़ोन कैरी हो सकते हैं। आप घर पे निकलने से पहले जो है अपने मोबाइल फ़ोन को पूरा चार्ज कीजिए। आप जो है दोस्तों एक अलग से भी पावर बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के ज़माने में पावर बैंक आप लोगों के पास होना ही चाहिए। पावर बैंक भी बहुत ज़रूरी है, आप इसको साथ में रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये यूएसबी चार्जिंग जो है, जिसे जूस जैकिंग का नाम दिया गया है, ये एक तरीके का साइबर अटैक है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और जो कि आपके डिवाइस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और भी दोस्तों कुछ तरीके हैं जो हम आपको बता सकते हैं। अगर आप फ़ोन को चार्ज पर लगा रहे हैं, तो चार्ज पर लगाते टाइम आप फ़ोन को अगर चलाएं ना, आप उसको लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद आप फ़ोन को जो है चार्ज पर लगा सकते हैं, और चार्ज पर निकालने से पहले भी उसको लॉक ही रहने दीजिए, आप उसको अनलॉक बिल्कुल ना करें। आप एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि देखा गया है, आप जो है फ़ोन को पूरा स्विच ऑफ़ करके भी यूएसबी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप फ़ोन को पूरा स्विच ऑफ़ कीजिए, फिर आप चार्ज कीजिए, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ स्मार्टफोन्स में फ्लैश ड्राइव भी आजकल आ गई हैं, जो कि फ्लैश डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि फ़ोन बंद होने पर भी डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। लेकिन अगर आपके डिवाइसेस उतने नए नहीं हैं, तो आप जो है चार्ज भी करना चाहते हैं, तो डिवाइस को पूरा बंद कीजिए। अक्सर देखा जाता है लोग चार्जिंग के समय भी फ़ोन को चला रहे होते हैं, पब्लिक चार्जिंग में भी चला रहे होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा खतरा ला सकते हैं। आपकी गैलरी, आपके अकाउंट्स, आपके डिवाइस को बहुत ज़्यादा हानि इनसे हो सकती है। तो दोस्तों, जूस जैकिंग, यूएसबी ड्राइव से चार्जिंग करना जितना हो सकता है आप अवॉइड कीजिए, नहीं करेंगे बहुत अच्छा है। पावर बैंक अपने साथ रखिए, ऐसा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर फ़ोन चार्ज करना भी चाहते हैं, तो उसको आप पूरी तरीके से स्विच ऑफ करके भी चार्ज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता चले कि जूस जैकिंग क्या होती है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।